डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेड्स मेजर्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं व्हाट इज रिकर्जन एंड हाउ वी सॉल्व द रिकर्जन यूजिंग स्टैक। तो इसको समझाने के लिए बहुत ही बेसिक एग्जांपल से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। जनरली होता क्या है ना कि जब भी रिकर्जन का टॉपिक आता है, डायरेक्टली हम फैक्टोरियल के प्रोग्राम से स्टार्ट करते हैं और फिर आगे उसको समझने की कोशिश करते हैं। वो सारी इसकी एप्लीकेशन है, वो बाद में जाएंगे। आप पहले ये तो देखेंगे यार, रिकर्जन होती क्या है, स्टैक क्यों यूज कर रहे हैं और स्टैक से हम कैसे जो है वो रिकर्जन को ट्रेस करते हैं। वैसे तो ट्री डेटा स्ट्रक्चर भी यूज किया जा सकता है, लेकिन स्टैक जो है वो ज्यादा पॉपुलर है। तो पहले आप स्टैक से रिलेटेड जो है वो बात करेंगे। तो यहां पे रिकर्जन को समझाने के लिए बहुत सिंपल से एग्जांपल मैंने लिया है। रिकर्जन का मतलब क्या होता है? व्हेन अ फंक्शन कॉल इटसेल्फ अगेन एंड अगेन, दैट इज अ रिकर्जन। मतलब एक फंक्शन है, वो अपने आप को दोबारा दोबारा कॉल कर रहा है। तो इसका बहुत ही बेसिक और सबसे छोटा एग्जांपल मैंने यहां पे लिया है। तो देखो, टी ऑफ एन एक फंक्शन है और टी ऑफ एन देखो इंटरनली टी ऑफ एन माइनस वन, मतलब अपने आप को जो है वो बार बार कॉल कर रहा है। तो इसको जो है वो हम देखते हैं कि स्टैक से कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखो, सबसे पहले मेन, हमारी जो एग्जीक्यूशन है वो हमेशा कहां से स्टार्ट होती है? मेन। और मेन के अंदर हमने क्या किया है? टी ऑफ थ्री को कॉल किया है, ठीक है ना। तो ये हमारा कॉलिंग फंक्शन है, ये हमारा कॉल्ड फंक्शन है। तो कॉलिंग फंक्शन में हमने वैल्यू क्या दे दी? एन की थ्री। देखो, एन की वैल्यू क्या पास कर दी? थ्री। तो कॉल बाय वैल्यू है, सी प्रोग्रामिंग में कॉल बाय वैल्यू चलती है। तो ये थ्री जो है वो आपकी फॉर्मल पैरामीटर्स में चली जाएगी। ये एक्चुअल पैरामीटर में क्या वैल्यू दे दी? थ्री। तो ये वैल्यू जो है वो कॉल बाय वैल्यू से यहां पे पहुंच जाएगी फॉर्मल पैरामीटर के अंदर, ठीक है ना। तो हमारा जो है वो एग्जीक्यूशन देखते हैं इसकी कैसे होती है। तो देखो, सबसे पहले स्टैक बना लेते हैं। स्टैक में सबसे पहले टॉप ऑफ द स्टैक में कौन सा फंक्शन जाएगा? मेन जाएगा। तो मेन जो है वो गया आपका स्टैक के अंदर, ठीक है। तो मेन में हमने जो है वो क्या किया? टी ऑफ थ्री, मतलब इसको कॉल किया। तो मतलब एन की वैल्यू थ्री जो है वो पास कर दी। तो ये वैल्यू जो है वो एक तरह से यहां पे कॉल बाय वैल्यू से पहुंच गई। तो एन की वैल्यू थ्री, स्टार्ट करो। इफ एन इज ग्रेटर देन जीरो, थ्री है, थ्री ग्रेटर देन जीरो, ट्रू है या फॉल्स? ट्रू। तो ये अंदर जाएगा, ठीक है। जैसे ही अंदर गया, मतलब एक यहां पे एक्टिवेशन रिकॉर्ड, एक नया रिकॉर्ड जो है, इसको बोलते हैं हम एक्टिवेशन रिकॉर्ड। तो स्टैक में एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड जो है वो क्रिएट हो जाएगा। किसके लिए? ए ऑफ, मतलब यहां पे देखो ना, थ्री वैल्यू जो है वो हमने पास की है। तो यहां पे एक तरह से टी ऑफ थ्री के लिए एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड जो है वो क्रिएट हो गया, ठीक है। टी ऑफ थ्री के लिए एक रिकॉर्ड क्रिएट हो गया। तो थ्री ग्रेटर देन जीरो, ट्रू था, तो अंदर गए। अब यहां पे देखो, यहां पे ना इसको थोड़ा समझने के लिए आप क्या कर सकते हो? बेटर आप इनको लाइंस को ना नंबर दे दो। जैसे ये लाइन नंबर वन है, ये लाइन नंबर टू है, ये लाइन नंबर थ्री है, ये लाइन नंबर फोर है, लेट्स से लाइन नंबर फाइव है, ठीक है। तो हमारी वन टू हो चुकी है, अंदर गए। टी ऑफ एन माइनस वन, मतलब दोबारा से फिर हमने कॉल कर दी। दोबारा से कॉल कर दी का मतलब क्या है कि आपने टी ऑफ एन माइनस वन, मतलब टी ऑफ टू को कॉल कर दी, टी ऑफ टू को कॉल कर दी। तो एक नया रिकॉर्ड बनेगा यहां पे टी ऑफ टू के लिए, एक नया एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनेगा टी ऑफ टू के लिए। लेकिन उससे पहले आपको हल्का सा यहां पे रुकना पड़ेगा। रुकना क्यों पड़ेगा? क्योंकि देखो, जब आप इसको सॉल्व कर रहे हो रिकर्जन को, आगे के आगे फंक्शन में जा रहे हो, जब आप वापस रिटर्न करोगे, तो रिटर्न करने के टाइम पे आपको जो है वो रिज्यूम करना ऑपरेशन। मतलब जैसे वो होता है ना कि आप कोई ऑपरेशंस को सॉल्व कर रहे हो, करते करते बीच में कॉल आ गई। अब आप वापस जो है वो, जब वापस आओगे कॉल खत्म करने के बाद, तो आप उसी जगह से ही दोबारा स्टार्ट करोगे। तो ये पता कैसे लगेगा? इंस्ट्रक्शन पॉइंटर यहां पे हेल्प करेगा। तो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर ने पता लगा लिया कि भैया जब टी ऑफ थ्री चल रहा था तो थर्ड इंस्ट्रक्शन हो चुकी है, लेकिन उसके बाद फोर्थ अभी नहीं हुई है। तो यानी जब हम वापस आएंगे तो हम फोर्थ इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। तो अब देखो जी, अब टी ऑफ थ्री ने कॉल किया टी ऑफ टू को, तो हमारी एन की वैल्यू क्या हो गई? टू। तो क्या टू ग्रेटर देन जीरो? ट्रू है, यस। अंदर जाओ, अंदर जाओगे टी ऑफ एन माइनस वन, टी ऑफ टू माइनस वन, मतलब ये आगे किसको कॉल करेगा? टी ऑफ वन को कॉल कर देगा। टी ऑफ वन को तो कॉल कर ही रहा है, लेकिन जो ये लाइन नंबर फोर और फाइव थी वो इसकी अभी पेंडिंग है। तो लाइन नंबर फोर जो है कब एग्जीक्यूट होगी? जब हम वापस आएंगे, जब ये रिटर्न करेंगे। तो देखो, दोबारा से फिर वैल्यू जो है वो टी ऑफ वन, एन की वैल्यू क्या होगी? वन। वन ग्रेटर देन जीरो, ट्रू। वन ग्रेटर देन जीरो, ट्रू है। अंदर गए, इसने किसको कॉल कर दिया? इसने टी ऑफ
जीरो को कॉल कर दिया, क्योंकि लाइन नंबर थ्री क्या कर रही है, टी ऑफ जीरो को कॉल कर रही है। लेकिन यहां पे एन की वैल्यू वन थी और हमने लाइन नंबर फोर को अभी एग्जीक्यूट नहीं किया, तो लाइन नंबर फोर आपकी पेंडिंग है। तो टी ऑफ जीरो पे गए, टी ऑफ जीरो मतलब एन की वैल्यू जीरो है, जीरो ग्रेटर देन जीरो फॉल्स, जीरो ग्रेटर देन जीरो फॉल्स हो गया। तो यहां पे एक तरह से ये आपका डायरेक्ट जो है वो कंट्रोल बाहर हो गया। तो कंट्रोल यहां से बाहर हो गया मतलब ये रिटर्न करेगा, जब ये रिटर्न करेगा तो स्टैक है लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो यहां से वापस पीछे की तरफ जाते रहो। अब देखो जैसे ही पीछे की तरफ जाओगे यहां पे फोर्थ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करो। फोर्थ इंस्ट्रक्शन कौन सी थी, प्रिंट एफ एन, एन की वैल्यू क्या है वन, तो प्रिंट कर दो जी, प्रिंट कर दिया वन खत्म। फिर बैक जाओ, बैक गए प्रिंट एफ एन, प्रिंट एफ एन, एन की वैल्यू इस रिकॉर्ड में कितनी थी टू, प्रिंट कर दो खत्म। नेक्स्ट पीछे गए एन की वैल्यू क्या है थ्री, प्रिंट एफ एन, तो थ्री को प्रिंट कर दो, कर दिया खत्म। बैक गए मेन, मेन में लेट से मेन में जब हम वापस आए तो ये मेरी इंस्ट्रक्शन जो भी थी ये चल रही थी, उसके बाद अगर कोई है तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, नहीं तो मेन भी आपका जो है वो फाइनली एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो दिस इज हाउ यू हैव टू ट्रेस द रिकर्जन यूजिंग द स्टैक। तो ये हमारा आउटपुट आ गया। आउटपुट ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि ये चीज को समझना कि स्टैक की हेल्प से हम इसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं। तो देखो यहां पे कितने एक्टिवेशन रिकॉर्ड बने, कितने रिकॉर्ड बने, मैंने एन की वैल्यू क्या दी थी, एन की वैल्यू थ्री पास की थी, तो वन टू थ्री फोर मतलब एन प्लस वन जो है वो एक्टिवेशन रिकॉर्ड बने। वैसे तो एन प्लस टू बने, मेन तो बाय डिफॉल्ट बनेगा ही, तो एक्स्ट्रा जो है वो आपका एक बना, एन की वैल्यू थ्री दी, तो यहां पे फोर एक्टिवेशन रिकॉर्ड जो है वो बने। तो कई बार आपसे पूछ लेते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, तो देखा जाए तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी बन गई, ऑर्डर ऑफ एन। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में आप अगर इसकी रिकर्सिव इक्वेशन लिखो तो रिकर्सिव इक्वेशन कैसे लिखोगे, टी ऑफ एन है क्या, टी ऑफ एन माइनस वन प्लस कॉन्स्टेंट अमाउंट ऑफ टाइम लग रहा है ये प्रिंट वगैरह करने में, तो टी ऑफ एन इज इक्वल टू टी ऑफ एन माइनस वन प्लस सी, ये इसकी रिकर्सिव इक्वेशन। इसको सॉल्व करोगे तो इसका टाइम भी आपका ऑर्डर ऑफ एन ही आएगा, तो स्पेस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन रिलेटेड टू द स्टैक। अब हम स्टैक की हेल्प से तो चलो हमने कर लिया, अब हम बात करेंगे ट्री की हेल्प से इसको कैसे करते हैं, और फिर फैक्टोरियल जो इसकी एप्लीकेशन है उनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। थैंक यू।